देवों के देव महादेव ने आखिर बाघ की खाल को ही अपना आसन क्यों बनाया हुआ है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने जब हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में आए थे। जब नरसिंह अवतार का लक्ष्य पूरा हुआ, तब उस प्रसंग को सदैव के लिए अमर करने हेतु भगवान विष्णु के सुझाव पर महादेव ने नरसिंह के चोले को धारण कर लिया। केवल आसन ही नहीं बनाया बल्कि अपने शरीर पर वस्त्र के समान धारण किया। यानी भगवान शिव का जो आसन है वह विष्णु के नरसिंह अवतार है, कोई आम बाघ नहीं। विज्ञान के अनुसार भगवान शिव का निवास हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत पर है और बाघ हिमालय को छोड़कर पूरे एशिया में पाया जाता है। बाघ की खाल ऊर्जा को अपने अंदर समेट कर रखती है। भगवान शिव ने उसे आसन बनाकर बताया, कैलाश पर्वत जैसी अत्यधिक ठंडी जगह पर इस प्रकार की तकनीक का उपयोग करके अधिक ठंड से बचा जा सकता है।